हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। 30 दिन पहले एक सफ़र की शुरुआत की थी और धीरे धीरे उसका आज आखिरी दिन है। एक टारगेट सीरीज शुरू की थी कि आपके लिए, चूंकि मेरा वीडियो 2018 में सिलेक्शन हो रखा था, तो मैंने सोचा आपको अच्छे से गाइड करूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एक सिस्टमेटिक वे में आपको अपना सिलेबस कम्प्लीट करना है। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ की शुरुआत की थी, वीडियो टारगेट सीरीज़, जिसका मैंने टाइटल लगा था सिलेक्शन खुद से। खुद से का मतलब है कि आपको खुद ही अपना पढ़ना है। सेल्फ स्टडी पे मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ, तो आपको मैंने टास्क दिए, 30 टास्क का मैंने टारगेट रखा था कि 30 टास्क में मैं आपको जो सिलेबस है वो कम्प्लीट करा दूँगा, ठीक है ना। 29 दिन इस सीरीज़ के हो चुके हैं, आज लास्ट दिन है। आज इस सीरीज़ में आप मेरे को लास्ट बार देख रहे हो कि ये सीरीज़ आज ख़त्म हो जाएगी। आपका सिलेबस हो चुका है और अगर आपने एक एक चीज़ अच्छे से फॉलो की होगी ना, एक एक दिन आप जो मैंने टास्क दिया है वो आपने फॉलो किया होगा, तो मुझे लगता है कि 30 दिन पहले जो आप में कैपेबिलिटी थी और 30 दिन बाद जो कैपेबिलिटी है उसमें आप डिफ्रेंस करके देखना कि हाँ, जो आपकी पहले प्रिपेशन थी अब प्रिपेशन है, जो पहले कॉन्फिडेंस था और अब कॉन्फिडेंस है। एक तैयारी करके जाते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है ना। तो आप 30 दिन का पूरा मुआयना करना, अवलोकन करना कि हाँ, 30 दिन में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, ठीक। तो एक सफ़र है वो आज थमने वाला है और लास्ट दिन है सीरीज़ का, जुपिटर पैलेसी वीडियो टारगेट सीरीज़, ठीक। और मैं उम्मीद करूंगा यार कि आपने अगर ये सीरीज़ फॉलो अच्छे से की है, मेहनत अच्छे से की है, जो मैंने बोला वो आपने लगातार फॉलो किया, कोई मक्कारी नहीं की, ईमानदारी से सारे टास्क पूरे किए हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि फाइनल जो लिस्ट है उसमें आपका रोल नंबर देखने को मिल जाए, ठीक। बाकी आप ये भी डिपेंड करता है कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। कुछ ऐसा होता है प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाते, ठीक। वो हैंडल करना अच्छे से, वो हमारी सीट भरनी है बहुत अच्छे से, जो जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंटेशन आपको एग्ज़ाम में करना है। अब मैं बात करूँगा 30वें दिन आपको क्या टारगेट पूरे करने हैं, क्या टास्क पूरे करने हैं, ठीक। आपके पास मुश्किल से 14-15 दिन आपके पास शेष हैं। जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए और पॉजिटिव रहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन इस बार हो जाएगा अगर आपने ईमानदारी दिखाई है अपनी मेहनत में, ठीक है ना। अगर मेहनत में आपने ईमानदारी दिखाई है सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का होगा। और अगर आपने मक्कारी की है तो आप अपना रिजल्ट खुद ही देख लेंगे, ठीक है ना। मक्कारी से काम नहीं चलता। बस 3 ही ऑप्शन है आपके पास जो आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन करा सकते हैं, आपका आपकी जो बेरोज़गारी का धब्बा है उसे हटा सकते हैं। 3 ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, मेहनत और मेहनत। वो आपने करी है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से करिए, और आगे भी 10-15 दिन जो बचे हैं उसमें भी अपना पूरा एफर्ट देना 100%, ठीक है ना। अभी थमना नहीं है, रुकना नहीं है, अभी 15 दिन और लगे रहना है, ठीक है ना। अब 30वें दिन की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में टॉपिक थे जिनमें से 13-14 नंबर का पहुंचा जाता है, जिनमें से काफ़ी जो दिक्कतें आ रही हैं एस्पिरेंट्स को उसी टॉपिक में से सबसे ज़्यादा आ रही हैं। तो मैंने 2 दिन रखे थे वो 29 और 30वीं दिन कि मैं अच्छे से उनको करा सकूं दोबारा से एक और बार, तो आपका एक बार पॉलिश हो जाए, ठीक है ना। पॉलिश हो जाएगी तो वहाँ आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले तो तार्किक वेन आरेख, वेन डायग्राम अच्छे से कर लेना दोबारा से, न्याय निगमन अच्छे से कर लेना, कथन एवं निष्कर्ष अच्छे से कर लेना। एक वीडियो मैंने सेंड की थी वेन आरेख की, वो दोबारा से अच्छे से देख लेना। जो बड़े बड़े सवाल हैं जिनमें आप फंसते हैं उनको एक बार और करके देखना, जो वहाँ आ जाए तो आप आराम से कर लें, ठीक। तार्किक वेन आरेख, वेन डायग्राम, न्याय निगमन, कथन एवं निष्कर्ष। GIS में बात करूँ, UP के ऊर्जा संसाधन देखने, लेक्चर नंबर 11 UP के ऊर्जा संसाधन। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं, ठीक। हिंदी में मैं बात करूं, संज्ञा से अभी अब तक मैं आपका रिवीजन करा चुका हूं क्योंकि उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आपको करना है उपसर्ग प्रत्यय,
समास, पर्यावाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम। ये एक और बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला था हिंदी और रीजनिंग में ही मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं आप। हिंदी और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जितना से ज़्यादा सही हो, कम से कम गलत हो, कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सही हो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, पिछली बार हमारा जब वीडियो का ग्रुप था, जब हम केस लड़ रहे थे अपना, तो हमारा ग्रुप बना था जितने भी सिलेक्टेड लोग थे, तो ज़्यादातर अगर उसमें एक सर्वे हुआ था कि कितने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स किस किस के कितने थे, तो हिंदी में ऐसा कोई नहीं मिला मेरे को जिसके 40-47 से कम हो, सबके 40-47, 48-46, 40-47, 48 इतने। एक ऐसा भी बंदा था जिसको 49 थे, ठीक है ना, 50 तो मेरे को मिला नहीं, 49 वाला मेरे को मिला था, ठीक। ऐसे ही रीजनिंग में सबके 44-45, 44-45, 46 ऐसे ही नंबर थे। तो ये दोनों जो सेक्शन है, ये स्कोर इंक्रीज़ करने वाले हैं जितना से ज़्यादा हो सके, गलती कम करना इन सेक्शन में, ठीक है ना। इसलिए मैंने 2 दिन रखे थे रिवीजन के लिए, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वही मैंने टॉपिक रखे हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने एक और बार, जो वहाँ जाके गलत ना करें आप। उपसर्ग प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम, ये आपको दोबारा से पढ़ने, एक्सरसाइज लगानी है। 10-15 दिन बचे हैं, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा है। रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन इम्पोर्टेंट है। आप लगभग मंजिल तक पहुंच चुके हो, 10-15 दिन और लगे रहोगे तो वहाँ तक आप मंजिल के पार पहुंच जाओगे, ठीक है ना। मेरा काम था आपको रास्ता बताने का कि किस रास्ते पे चलना है, क्योंकि जिस रास्ते पे मैंने चल के अपनी मंजिल पाई थी, मैंने वही रास्ता आपको बताया कि ये रास्ते से जाके आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, इस रास्ते पे चल के मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा था, ठीक है ना। एक यही मैंने फॉलो किया, मैंने वही आपको बोला है, मैंने कुछ नया नहीं बोला। सही बात बताऊं तो मैंने भी इतना नहीं पढ़ा था आपको, मैंने ज़्यादा ही कंटेंट प्रोवाइड करा है आपको, मैंने ज़्यादा ही बोला है कि ज़्यादा पढ़ें, जिससे आपकी जो GS का डर है वो आपका थोड़ा बहुत दूर हो जाए, और जहाँ जो माइनर मिस्टेक है वो आपकी रुक जाए, ठीक है ना। जैसे मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, लेकिन मैंने फिर भी कंप्यूटर आपको पढ़ा है। दूसरा, और कंप्यूटर नहीं पढ़ा था मैंने बिल्कुल, तब भी मेरे क्वेश्चन सही हो गए थे। पत्र लेखन वाला चैप्टर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तब भी मेरे क्वेश्चन वहाँ जाके सही हो गए थे, ठीक है ना। तो कुछ फिर भी मैंने आपको वो प्रोवाइड करा है PDF में, ताकि आप वहाँ जाएँ तो गलत ना हो, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट सेक्शन मैं आप ये लिख दीजिएगा कि भैया मैं पहले दिन से आपके साथ हूँ, लगातार मैंने 30 दिन, वो जो स्टूडेंट हैं जो पहले दिन से लास्ट तक मेरे साथ रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, कि कहाँ से आप कहाँ तक पहुँचे। और मैंने पहली सीरीज़ में बोला था कि अगर मेरे साथ 100 बंदे भी रहे, 50-70 भी रहे, स्टार्टिंग करते हैं 500-600 लेकिन लास्ट तक चलता है, फिर 50-60 बच्चे ही साथ में रहते हैं, हो सकता है मेरे हिसाब से उतने भी नहीं है मेरे साथ, ठीक। लेकिन जितने भी हैं कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया मैं आपके साथ हूँ और पहले दिन से आपके साथ था, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय। मैं और भी गाइड करता रहूँगा, ऐसा बात नहीं है टेक्स्ट सीरीज़ ख़त्म हो गई है तो मैं आपको गाइड करना छोड़ दूँगा, 15 दिन मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहो, टेक केयर ना, बाय।